नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है बिट्टू की जाने की तैयारी। बिट्टू तैयार हो गया है, खाना खा रहा है, बैग पैक कर लिया है अपना, थोड़ी देर में चला जाएगा। दोस्तों छुट्टियाँ ख़त्म आज से। तुम क्या कर रही हो? कैसे देख रही है बैठे? जा रहा है क्या भैया नानी? तो आज चला जाएगा बिट्टू, अच्छा नहीं लगेगा। हेलो साजू। दोस्तों पहली बार बिट्टू अकेले जा रहा है, बिट्टू पापा नहीं छोड़ने जा रहे हैं। सुबह की ट्रेन से जाता था 6 बजे वाली, तो बिट्टू पापा छोड़ आते थे फिर ड्यूटी जाते थे। और इस बार ठंड की वजह से सुबह 6 बजे नहीं गया है, इंटरसिटी से जा रहा है 9 बजे 10:30। क्यों बिट्टू कितने टाइम आती है पता रहा? 10:30 की 11 बजे 12 बजे इतनी देर जल्दी जा रहे हैं पता? वो जाम बहुत लगता है ना दोस्तों। 12 बजे आएगी पतारा ट्रेन, पतारा से ट्रेन पकड़ेगा बिट्टू, वहाँ नहीं जाएगा सेंटर। जितना सेंटर जाएगा उससे पहले पहुँच जाएगा पतारा, पतारा पास पड़ता है। इस बार बिट्टू अकेले जा रहा है। सुबह बिट्टू पापा जा रहे थे ना, तो कह रहे थे मन नहीं कर रहा है जाने का मेरा, बिट्टू इस बार अकेले जा रहा है, छोड़ने नहीं जा पाऊँगा। दोस्तों छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, ओवर टाइम चलने लगा है तो अब और छुट्टी नहीं मिलेंगी। सुबह जा रहे थे तो पूरा चेहरा उतरा उतरा था, कह रहे थे मन नहीं कर रहा है ड्यूटी जाने का। सब बिट्टू आज अकेले जाएगा, हर बार जाते थे ट्रेन में बैठा में, जब तक ट्रेन चली नहीं जाती थी तब तक आते नहीं थे। हाँ आते नहीं थे पापा। बिट्टू बादल है, पानी बरसेगा लग रहा है। शिशु में मलेरिया बूम बूम बूम। मैंने जल्दी जल्दी काम किया है कि बिट्टू का जाने का टाइम ना हो जाए, जल्दी से नहाया है। क्या कर रहा, फांसी लगा रहा है क्या? नहीं, ये घोड़ा चलाने वाला, तरक तरक मारने वाला घोड़ा। अच्छा, मेरे गले में डाल। हाँ, ये यहाँ से कितना खाना खाए? नहीं, जाने कैसा लग रहा है? चला जाएगा एक बार। आजा 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 आ आजा आजा तो बहुत अच्छा लगता है। आ गया था खिचड़ी में तो बड़ा अच्छा लगा था। पहले कह रहा था नहीं आऊँगा मम्मी, तो बड़ा जाने कैसा लग रहा था खिचड़ी में नहीं आएगा। आ गया तो पूरा दिन लगी रहती थी, कहीं कुछ बनाती थी कहीं कुछ बनाती थी। आज भी जा रहा, कल से शायद स्कूल चला जाएगा। क्या कर रहे हो? ये खेल के नहीं छक रही है ना? करो शायद लग जाएगा उसके। दोस्तों तैयार हो गया, खाना खा चुका बिट्टू। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे। जा रहा है नानी। छोड़ दो साहिल, बैग देख लिया है ना तुम्हारा, तो उसको लगता है कि कहीं जा रहा, तभी आगे पीछे घूम रही है ये। दोस्तों जा रहा है बिट्टू, जा रही हूँ। खाना तो खा लिया, अब जाओ लेट हो जाओ। बादल है बिट्टू। अरे Thank you.
दोस्तों यहाँ रुके हैं भैया ऑटो लेने के लिए। तो भैया चला गया। बस दोस्तों मेरा भाई है मंदिर में दर्शन करने और भैया यहाँ से ई रिक्शा पकड़ के चला गया। दोस्त चला गया बिट्टू छोड़ के आ गए घर। रिक्शे में बैठ गया था, पास में मंदिर था तो मंदिर में दर्शन किए आ गए घर। क्या हो गया? कुछ नहीं। हा? कुछ नहीं। कुछ तो ऐसे क्यों बैठ गए? फिर से हो गए अकेले। भैया की जैकेट चुरा के पहने हो? नहीं ले गया ना इस बार। दोस्तों जिस दिन से आया बाहर भी नहीं खेलने गया था, बस आगे पीछे बिट्टू के भाई ये भाई वो भाई जी ऐसा भाई जी वैसा चिढ़ाता रहता था। मैं रोज बाहर खेलने लगता था, मम्मी खेलो आज बड़ा सोना सोना लग रहा है। चार पांच दिन बहुत अच्छा लग रहा है। जा रहा था तो कह रहा था मम्मी जाने कैसा लग रहा है, खाना खाया है? तीन चार बार लैट्रिन करने गया। कह रहा था मम्मी मेरे पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों, जाने कैसा लग रहा है। बच्चे बाहर चले जाते हैं ना तो पहुंच जाने कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, बड़ी चिंता बनी रहती है, बड़ा अकेलापन लगने लगता है। चलो तुमने खाना नहीं खाया ना अभी? कोई बात नहीं है, अपना अच्छा देखेंगे तो भविष्य नहीं बनेगा, संघर्ष करेंगे तभी बच्चों का भविष्य बनेगा। पाती हूँ दोनों बच्चों के बिन, बिट्टू पापा के बिन मुझे नहीं अच्छा लगता। आगे पीछे मम्मी ऐसा मम्मी वैसा, बाहर किसी से मतलब नहीं, दुनियादारी से कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बस पढ़ाई पढ़ाई से थोड़ी बहुत मस्ती, कहीं कुछ बताता था कहीं कुछ बताता। कोई बात नहीं दोस्तों, सुबह नहाया था, कपड़े नहीं फैलाने गई हूँ ऊपर, जा रही हूँ डाला हूँ तो थोड़ी बहुत हवा में पानी निचुड़ जाएगा, फिर अंदर डाल दूंगी। धूप तो आज निकलेगी नहीं, बहुत तेज बादल है। बताइए डिब्बी कैसे जुड़ी बता। रख दो। कैसे जुड़ी? दूसरी साल लग गई, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि बिट्टू को पापा छोड़ने ना गए हों, ट्रेन में बैठा के आते थे
इस बार के रात में पापा में सुबह वाली ट्रेन से नहीं जाऊंगा, बहुत तेज सर्दी है। मैं जाऊंगा इंटरसिटी से, यहाँ आ जाती है शायद 10 बजे, पतारा पहुँचती है शायद 12 बजे, पतारा से बैठेगा क्योंकि यहाँ से हम आएगा। मम्मी क्या कर रही हो? टमाटर छील रही चटनी। वो ले आओ मम्मी, दूध ले आओ। कितना बज गए? 7 बज गए, 8 बजने जा रहा। ले आ गया वो? हाँ, अंकल जी कहने रहे थे कि 7 बजे आ जाया करना, ठंडी का टाइम। ले आओ, मैं जा रही हूँ, तब बर्तन धो लूँ। ठीक है। और वो जो भैया पैसे नहीं दे के आता गले गले नोट, और अब वो फिर अब वाले पैसे लेके आता अच्छे अच्छे, तो वही वाले लिए जा रहा हूँ। हाँ, वही ले जाओ, वहीं से लाए थे का टूटे का। हाँ, होटल से। हाँ। और कहीं मिल ही नहीं रहे थे सुबह सुबह। ले जाओ। ठीक। मम्मी मेरे को कम देना, छोटे वाले में। कितना डाल देता हूँ? बस 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 बस। आप और... पियेंगे? थोड़ी सी पी लीजिए। क्यों? हल्दी डाल दूँ? हाँ डाल दो। नहीं 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 दोस्तों, मम्मी ने जलाया है कौड़ा। साढ़े 10। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नाम को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग।